मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए हनी चिली पटेटो बनाने के लिए मैंने ये चार बड़े बड़े आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश करके हमें छील लेना है और इस तरह से फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लेना है और इनको मैंने पानी में डिप करके छोड़ दिया है और दूसरी तरफ गैस पर मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल कर लिया है काफ़ी सारा और इसमें अब मैं डालूंगी वन टीस्पून नमक और फिर ये सारे आलू मैं इसमें डाल दूंगी आलू डाल देने से पानी फिर से ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स तो हमें वेट करना है कि पानी में बॉईल आ जाए और जैसे ही पानी में बॉईल आएगा मैं सिम कर दूंगी फ्लेम और फाइव मिनट्स सिम फ्लेम पर ही हमें आलू पड़े रहने देने हैं बीच में आप एक दो बार हिला सकते हैं पाँच मिनट बाद मैंने आलू छान लिए हैं पानी से और ये अलग निकाल लिए हैं अब इन पर हम डालेंगे वन टेबल स्पून मैदा आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं और वन टेबल स्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा इन दोनों चीज़ों से मुझे अपने आलू अच्छे से कोट करने हैं और ये बैटर के लिए मैंने लिया है हाफ़ कप मैदा हाफ़ कप चावल का आटा और हाफ टी स्पून नमक और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्रेंड्स मुझे अच्छे से बैटर बना लेना है थिक बैटर बनाना है बैटर काफ़ी गाढ़ा रहता है फ्रेंड्स इसका अगर बैटर पतला हो गया तो फिर वो आलू पर अच्छे से कोटिंग नहीं बनेगी उसकी और हमारे आलू क्रिस्पी नहीं होंगे तो हमें काफ़ी थिक बैटर रखना है ये देखिए स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है और अब मैं इसमें थोड़े से आलू डालूंगी सारे एक बार में नहीं डालूंगी दोस्तों हमें ये इंश्योर करना है कि हर आलू पर अच्छे से कोटिंग हो बैटर की और ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है मीडियम हॉट और इसमें मैं आलू डाल रही हूँ ये देखिए इस तरह से और हमें इनको सेमी डीप फ्राई ही करना है फ्रेंड्स जब ये हल्के से गोल्डन होएंगे व्हाइट से ही होंगे तब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे और फिर लास्ट में एक बार सेकेंड राउंड देंगे हम इनको डीप फ्राई करने का दो तीन मिनट बाद फ्रेंड्स एक बार पलट देना है हमें इनको और अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ ये देखिए जो बॉटम पे टच हो रहे थे वो हल्के से रेड हो गए हैं बाकी सब वाइट ही हैं और इसी तरह से आपको भी तलने हैं और ये देखिए मैंने सारे आलू एक बार वाइट से तल लिए हैं गोल्डन वाइट से हैं और ये मैं अब इनको सेकेंड राउंड दे रही हूँ सारे आलू जो वाइट थे इनको अब मैं रेड होने तक डीप फ्राई करूँगी और ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स करते हैं बहुत जल्दी ये हो जाता है ये इसलिए किया जाता है कि बिल्कुल हम इंश्योर करें कि हमारे पटेटो एकदम क्रिस्पी हों बहुत मज़ेदार हों आप चाहें तो एक बार में भी कर सकते हैं लेकिन दो बार करने से उनकी क्रिस्पीनेस का लेवल अलग ही होता है ये देखिए हाई फ्लेम पर मैंने क्वांटिटी भी इस बार ज़्यादा डाली है आलू की ये देखिए रेड कलर इन पर आने लगा है अब और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उठा लेने का आलू को और इसी तरह से मैंने ये सारे आलू तल लिए हैं आप देख सकते हैं सबका कलर इवनली रेड है और ये मैंने कढ़ाई में टू टीस्पून ऑयल डाला है और उसमें दो हरे मिर्च स्लिट करके डाली हैं ये मैंने वन टीस्पून तिल डाले हैं फ्रेंड्स सेसमे सीड और इनको हल्का सा ऑयल में सौते करके ये मैंने एक अनियन डाल दिया है स्लाइस किया हुआ हाई फ्लेम पर इसको भी मैं सोते कर रही हूँ साथ ही में मैंने डाल दी है एक शिमला मिर्च स्लाइस की हुई हाई फ्लेम पर इन दोनों को सौते करना है फ्रेंड्स हमें और बस हल्का सा ही इनका कच्चापन निकालना है ये मैंने सॉल्ट डाला है हाफ टी स्पून और अब मैं चीनी डाल रही हूँ वन टी स्पून ये डार्क सोया सॉस है फ्रेंड्स वन टीस्पून डाली है ग्रीन चिली सॉस ये मैंने वन टेबलस्पून डाली है क्योंकि चिली पोटेटो स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं और अब इन सब को वन मिनट के लिए मुझे हाई फ्लेम पर सौते करना है ये मैं टमेटो केचप डाल रही हूँ थ्री टेबल स्पून से सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है चाइनीज़ फ़ूड का इन सबको फ्रेंड्स फिर से मैंने वन मिनट कुक किया है और ये मैंने एक चुटकी काली मिर्च डाली है और हाफ कप पानी अब फ्रेंड्स हमें कॉर्नफ्लोर और पानी का घोल बनाना है तो ये मैंने डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मेजरिंग टीस्पून से और तीन चम्मच पानी में डालकर उसका एक स्मूथ मिक्सचर बनाया है और डाल दिया है चिली पटेटो वाली सब्जियों में और इसको हमें अच्छे से थिक होने तक कुक करना है थ्री फोर मिनट्स ये देखिए थिक हो गया है अनियंस डाल दिए मैंने टू टी हनी डाला है और इनको फिर से मैं अच्छे से कुक करूँगी और ये बिल्कुल तैयार है अब मैं इसमें अपने पटेटो जो हमने डीप फ्राई किए थे वो डाल दूँगी ये देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं बस अब हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है कि सारे पटेटो हमारी तैयार की हुई सॉस में अच्छे से लिपट जाए कोट हो जाए सबका टेस्ट यूनिफॉर्म हो जाए दो तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करिए फ्रेंड्स और इसी तरह से टॉस करिए अच्छे से आपके चिली पटेटो एकदम तैयार हैं लास्ट का एक काम जो बाकी है वो ये कि हमें थोड़े सी से ससमे सीड्स टोस्ट करने हैं नटी फ्लेवर देने के लिए इनको ये देखिए मैंने थोड़े से ससमे सीड्स वन टेबल स्पून टोस्ट कर लूँगी इनके चटकने तक जब तक कि थोड़े ब्राउनिश हो जाएं। और ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ ये देखिए कितने टेम्पिंग लग रहे हैं एकदम माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छे और इतनी अच्छी खुशबू इनसे आ रही है और इधर लॉकडाउन में बाहर का खाया भी नहीं ना फ्रेंड्स सच में इतना अच्छा लग रहा है आज मुझे ये बनाकर ये स्प्रिंग और सॉस सीड से मैंने गार्निश कर दिया है देखिए पास से देखिए फ्रेंड्स ट्राई करके ज़रूर देखेगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा रेसिपी को थैंक यू